नमस्ते दोस्तों, मैं शोभा गुप्ता आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये मेरा ब्लॉग है, बहुत ही प्यारा और मेरे दिल के बहुत ही करीब, क्योंकि ये है मेरे भतीजे के मुंडन सेरेमनी का ब्लॉग। और ये मुंडन सेरेमनी हुआ है बहुत ही पावन जगह, जहाँ बहुत ही भक्त शिव भक्त आते हैं, उसी जगह पर हुआ है। और ये हुआ है झारखंड के देवघर बैद्यनाथ धाम में। इसे बहुत से लोग बाबा धाम कहकर भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ सावन में कांवरियों का बहुत भीड़ लगता है। यहाँ ज्योतिर्लिंग है ये, तो यहीं पर हुआ है मेरे भतीजे का मुंडन सेरेमनी। तो बहुत ही धूमधाम से बाजे बाजे के साथ हुआ है। और यहाँ पर मैं निभा रही हूँ अपने बुआ होने का फर्ज, क्योंकि हमारे बिहार के रिचुअल्स में जब बच्चे का मुंडन होता है तो बुआ या फिर बहन, बड़ी बहन अगर होती है, नहीं तो बुआ, ज़्यादातर बुआ के आँचल में ही उसके फर्स्ट बाल वगैरह जब डालते हैं। और बुआ का बहुत ही बड़ा योगदान होता है ये सब चीज़ में, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जो बिहार से हैं वो ये सब रिचुअल्स को जानते होंगे, समझते होंगे। तो आप भी देखिए मेरा ये छोटा सा ब्लॉग और इन्जॉय कीजिए। और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए चालू हो गया है बाबू का मुंडन। उसको किस तरह से, हम तो बहुत ही डर रहे थे कि बाबू बैठेगा नहीं बैठेगा, किस तरह से अपने बाल को कटवाने देगा या नहीं, लेकिन वो बहुत ही शांति से बैठा हुआ था, क्योंकि उसको थोड़ा सा फीवर भी था तो वो उतना एक्टिव नहीं था। और बहुत ही शांति से उसने अपना मुंडन करवा लिया। और यहाँ पर फोटोग्राफ्स वीडियोस भी सारे बन रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाजा भी बज रहा था, पंडित जी ने अपना जो संकल्प वगैरह जो करवाते हैं वो सब पहले करवा लिए थे। और उसके बाद हुआ, फिर मुंडन होने के बाद भगवान के पानी से बाबू को नहलाया गया। और उस पर जो बुआ मैं थी तो उसको हल्दी वगैरह जो लगाते हैं वो भी लगाई, और बहुत ही मज़ा आया। मैं तो बहुत ही इंजॉय कर रही थी। मेरे बच्चों का भी मुंडन यहीं पर हुआ था, लेकिन उस समय मेरा कोई चैनल नहीं था तो मेरे पास वो कोई मेमोरी के रूप में नहीं है, लेकिन ये ब्लॉग मैं हमेशा देख सकती हूँ, यूट्यूब पर रहेगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप सब भी ज़रूर देखिए और इसको लाइक कीजिए। और देखिए किस तरह से शांति से बैठा है अपने मम्मी पापा की गोद में, मतलब मेरे भैया और भाभी के गोद में बहुत ही प्यार से बैठा हुआ है। और यहाँ पर बहुत ही भीड़ था, हमने दर्शन पहले कर लिया और उसके बाद मुंडन सेरेमनी किया और थोड़ा सा घूमे। बहुत ही अच्छी जगह है, आप सब अगर गए हैं तो आप जानते ही होंगे, और नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। बहुत ही ये ज्योतिर्लिंग है और बहुत ही पावन जगह है। तो यहाँ पर देखिए हो गया कंप्लीट बाल को, और उसके बाद यहाँ लगा दे रही हूँ यहाँ हल्दी और दही का इस तरह से लेप दिए हुए थे पंडित जी, इससे अगर बच्चे को थोड़ा सा भी कट वगैरह भी कुछ आया होगा तो वो उससे नहीं जलेगा। तो इसके बाद बाबू को नहलाया जाएगा, और वो पहले भगवान के पानी से जो अभिषेक होते हैं ना, वो पानी वहाँ आता रहता है, वहीं पर सारे बच्चों को, जितने बच्चों को मुंडन होती है वहीं पर नहलाया जाता है। तो पहले उस पानी से नहलाया जाएगा, फिर नॉर्मल पानी से थोड़ा सा नहला देंगे। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉय करें हम ये मुंडन सेरेमनी को। मेरे को बहुत ही इंतज़ार था कि मैं एज ए बुआ कब जाऊंगी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इकलौती बुआ हूँ इसकी, तो और मज़ा आया। और ये मेरा अभी इकलौता भतीजा है, और भी आगे भतीजे और भतीजी आएंगे, लेकिन फर्स्ट भतीजा है तो इसके साथ तो मेरा अलग ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ मेरे पापा, अब बाबू नहा कर आ गया, उसके कपड़े वगैरह बदल दिए, अब मेरे पापा के गोद में, मतलब अपने दादाजी के गोद में अब करवा रहा है पूजा। तो यहाँ पर हम फुल फैमिली बैठे हैं, पंडित जी हमें कुछ कुछ बता रहे हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी बैठे हैं। तो यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं इसमें ज्वाइन कर दे रही हूँ। तो आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मुझे मिला था गिफ्ट में सोने के इयररिंग्स और जितने श्रृंगार के सामान होते हैं, साड़ी वगैरह, वो सब मिला। हमारे यहाँ बुआ को मिलता है, मतलब मुझे यहाँ पर मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया, भाभी, मम्मी पापा। तो यहाँ पर कर लीजिए आप सब मंदिर का दर्शन। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।